वेलकम टू माई चैनल, मैं रोहित चौधरी। तो भाई आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। जयपुर सीरीज चल रही है गाइस, डे टू। आज भी टाइम हो रहा है 8:05 है। अभी आप खुलिए, मेरी अभी ब्रश करेंगे, नहाएंगे, फिर उसके बाद खाना खाने जाएंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे अपने सफ़र पे। जयपुर दर्शन करेंगे आज। मेरे को नींद आ रही है बहुत गंदी। उठ जाते हैं, तैयार व्यार हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाइस टाइम हो रहा है 9:47। हम तैयार वगैरह होके निकल चुके हैं। अभी हमारे होटल के बाहर ही एक टी स्टॉल है, वहाँ से हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे हम घूमने। तो चाय पी के मिलते हैं। गाइस हम आए हैं दिल्ली चांदनी चौक के सुपर प्रसिद्ध छोले कुलचे के पास। ये पीछे है, ठीक है। तो ये भैया पहले हमारे वहीं लगाते थे दिल्ली में, तो अभी जयपुर में आ गए। ये हमारे होटल के पास ही है, हम हमारा ब्रेकफास्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। हमारे जी आ गए छोले कुलचे, रेडी हो रहे हमारे। गाइस हमारे कुलचे हो गए हैं तैयार, एकदम गर्मा गर्म। और अगर कभी जयपुर आओ तो भैया के कुलचे जरूर खा के जाना, टेस्टी है बहुत, ठीक है। नीचे भी दिखा दो नाम। गाइस हम आए हैं बस स्टैंड पे, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना, और यहाँ से जाएगी 29 नंबर की बस जाएगी, जो सीधा आमेर उतारेगी हमें, जल महल होते हुए जाएगी, फिर आमेर जाएगी। हम सोचे पहले आमेर घूम लेंगे, फिर उसके बाद आते टाइम देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो हम जल महल भी घूम लेंगे। टाइम हो गया हमारा 11, बस आने वाली होगी, हमने यहाँ से पता तो करा था। फिर अगर आप ऐसे अगर ऑटो वगैरह लोगे तो भाई ऑटो 350 रुपये मांग रहा है, ठीक है, 3-4 सवारी के। और यहाँ से सिटी बस आती है, वो आपको 15 या 20 रुपये में छोड़ देगी। तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, जैसे आपको सही लगे, आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। बस में बैठने के बाद बताता हूँ फिर आगे। हमें बस मिल गई गई और ये 30 रुपये लेगी, 30 रुपये की टिकट है इसकी। ये हमें उतारेगी आमेर फोर्ट। गाइस हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट, बस ने एकदम हमें इस फोर्ट के सामने उतारा है। अब जाएंगे, टिकट लेंगे, टिकट होगी तो बताता हूँ मैं आपको क्या सीन है। मेरे पीछे है भाई पूरा। अभी चलेंगे इसके अंदर, व्यू तो बड़ा प्यारा है पहाड़ों के बीच में। व्लॉग बन रहा है मेरा। हम आ गए जी अपने इस महल के अंदर, एम्बर महल के अंदर, एम्बर फोर्ट के अंदर। वहाँ से इसकी एंट्री थी, एंट्री प्राइस अब तक तो कुछ नहीं लगा, शायद आगे लगता होगा, पता नहीं। अभी यहाँ से हमने मेन एंट्री तो हमने कर ली क्रॉस, अब उसके बाद शायद यहाँ से कहीं इसकी एंट्रेंस है, उसके बाद वहाँ से सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे। काफ़ी सुंदर है, बहुत सारे कबूतर थे भाई साइड में ही हमारे सामने। यहाँ पे वो है तालाब कह सकते हो, हाँ तालाब ही है।
अभी अंदर का भी और दिखाता हूँ अंदर से जाके। प्रसाद वगैरह क्यों मिल रहे हैं? मंदिर वगैरह है क्या ऊपर? हैं? क्या? मंदिर ऊपर? हाँ, यहाँ अंदर स्टॉल वगैरह भी है, अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप खा भी सकते हैं। और ये बहुत बड़ा है, मतलब आप अगर आप आओगे तो आपको 2-3 घंटे आराम से लेके आना, अपने सुबह सुबह निकलना 8 बजे तो आप ये पूरा कवर कर पाओगे, वरना तो मुश्किल है। हम शायद दूसरे गेट से, भाई ये तो बाहर नहीं जा रहे हम, ऐसे तो स्पोर्ट की कोई टिकट नहीं है, लेकिन तुम ऊपर आओगे तो यहाँ के लिए तुम्हें टिकट खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पे शीश महल है और दीवाने खास है, दीवाने आम है यहाँ पे, और शीश महल है। तो इसकी टिकट है पर पर्सन 100 रुपीज़। ये मेरे पीछे है, वीडियोग्राफी करो फोटोग्राफी करो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है। मेरे पीछे दीवाने आम है, जहाँ पे जो राजा महाराजा थे वो अपनी प्रजा से मिला करते थे। ये दीवाने आम है, अभी इसके अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर का भी आपको दिखाता हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा गाइस आपको कि आप यहाँ पे बिना गाइड के ना आए। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानना है कि कैसी थी, मतलब क्या हुआ करता था यहाँ पे, तो हमें गाइड मिल जाएंगे आपको, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, गाइड लेके आए। और अगर आपको सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक कराने आना है या फिर सिर्फ घूमने फिरने आना है तो आप बिना गाइड के भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पीछे है ये गणेश पोल, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप जालियाँ देख रहे हैं ना पीछे, यहाँ से जो दीवाने आम में मेरे सामने इस साइड है दीवाने आम और यहाँ पे गणेश पोल, तो दीवाने आम में जो भी प्रोग्राम हुआ करते थे इन जालियों में से, ये जो आप जालियाँ देख रहे हैं मेरे पीछे जितनी भी जालियाँ, यहाँ से जो इस महल की जो रानियाँ थी वो प्रोग्राम देखा करती थी यहाँ से। तो ये राजा जय सिंह ने बनवाया था ये फोर्ट पूरा, तो आपको और नॉलेज देता रहूँगा थोड़ी थोड़ी, जितना मेरे को पता चलेगा इधर उधर से मैं आपको बताता रहूँगा। अभी चलते हैं हम गणेश पोल में। भाई साहब कितना खूबसूरत है।
ये लास्ट लास्ट प्लेस है इस पैलेस का, मानसिंह पैलेस कहते हैं इसे। यहाँ पे राजा की 12 रानियाँ बताई गई है, तो वो रहती थी यहाँ पे। बस अब इसके बाद दोस्तों हमारा एग्जिट है। ये हमारा था आमेर का फोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं सोचा था डेली ब्लॉग डालूं, लेकिन भाई 1 बजे तक, मतलब 2 बज गए, 2 बजे तक हम एक ही फोर्ट पे हैं, तो दूसरे फोर्ट पे जाएंगे तो वो शायद एक दिन में नहीं डल पाएगी वीडियो। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जब जो प्लेसेस पे जाऊँ तो वहीं का ही डाल दूँगा। ठीक है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और लोगों में शेयर कर देना। भाई पूरा जयपुर घुमा दूँगा मैं तुम्हें 2-3 दिन में। भाई इस इमारत को बनाने के लिए 25 साल लगे थे, जब अकबर का शासन चल रहा था उस काल में बनाया गया था ये महल, पैलेस ऑफ राजा मान सिंह। गाइज ये है जनानी ढ्योड़ी लेडीज अपार्टमेंट, जो राजा महाराजा की जो लेडीज रहती थी वो यहाँ पे रहती थी। लेडीज एम्बर प्लेस चाहिए। यहाँ पे दुकानें वगैरह भी हैं दोस्तों। अच्छा यहाँ पे CCD भी है, फोर्ट के अंदर CCD है भाई। भाई ये 200 क्विंटल की क्या है ये? संदूक है भाई, संदूक है भाई साहब। ये इसमें हथियार सप्लाई होते थे। ये हमारे गाइड आज के भाई इसमें हथियार सप्लाई होते थे। उठा के देखो भाभी, उठाइए हमारी। ओ बेटे काफी भारी भाई, काफी हैवी। गाइस वहाँ से निकल के हम बाहर आए तो हमने देखा यहाँ पे सुरंग का रास्ता है। भाई साहब सोचो यहाँ सुरंग, और ये सुरंगे जो है वो जयगढ़ फोर्ट से मिलती है, जाके इंटरकनेक्टेड है जयगढ़ फोर्ट से। लिखा भी होगा ना शायद, और इन सुरंगों का इस्तेमाल उसमें होता था, मतलब सप्लाई करने में, हथियार सप्लाई करने में, जब कोई वो लड़ाई वड़ाई हो जाती थी, क्योंकि जयगढ़ में वो बनते थे, जयगढ़ में बनते थे हथियार और इधर सप्लाई होते थे। अच्छा, आमेर में जब जरूरत पड़ती थी। हाँ सही कह रहा है। हेलो, वो भी किसका वेल्डिंग करते थे सबका, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस हम आमेर प्लेस पैलेस से निकल के हम आ गए थे मीना पन्ना के कुंड में। ये मेरे पीछे मीना पन्ना कुंड है, अगर आपको आना है तो आप भाई मैप में लोकेशन डाल देना आमेर फोर्ट से, ठीक है। वो आपको भाई मतलब वहाँ से कुछ 1.1 किलोमीटर था, तो हम पैदल आ गए थे। बीच में रास्ते में हमने कचौड़ी खाई है, कचौड़ी वगैरह की दुकान है, मिष्ठान भंडार है बहुत सारे, ठीक है। मेरे पीछे ही ये मीना पन्ना का कुंड, यहाँ पे भाई फ़ोटोज़ करा सकते हो आप, फ़ोटोशूट करा सकते हो बहुत अच्छी। और जो यहाँ की जो फ़ोटोज़ होगी ना मैं डाल दूँगा भाई इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का हैंडल का डाल दूँगा लिंक नीचे, जाकर मेरे को फॉलो कर लेना सारे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी एक बार इसकी सुंदरता आपको दिखाता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।